दम लगा के हईशा, बस यही नारा लगाते लगाते वापस आ गए हैं बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए अनु मलिक। फिल्म दम लगा के हईशा में अनु मलिक का म्यूजिक जबरदस्त है। म्यूजिक रिव्यू की बात करें तो इसे 5 में से 3.5 स्टार मिलते हैं हमारी तरफ से। फिल्म के सारे गाने अप टू द मार्क हैं, जैसे मोह मोह के धागे। पापोन और मोनाली ठाकुर का गाया हुआ यह गाना एक सेमी क्लासिकल नंबर है, कानों को बड़ा अच्छा अच्छा और रोमांटिक फील देता है। नेक्स्ट सॉन्ग इज दम लगा के हईशा, जिसे कैलाश खेर और नूरान सिस्टर्स ने गाया है। फिल्म का टाइटल ट्रैक फुल फास्ट पेस, एनर्जेटिक और एक रॉकिंग सूफियाना टच लिए हुए ये गाना। इस गाने को लिसनर्स में एक मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, बट द सॉन्ग इज रियली नाइस। नेक्स्ट सॉन्ग इज टू, संग बाय कुमार सानू। कुमार सानू ने इस गाने में 90s का दौर निचोड़ के रख दिया। इसका वीडियो, इसकी आवाज, इसके लिरिक्स, सब कुछ आपको नॉस्टैल्जिया की उस फीलिंग में ले जाएंगे जब कुमार सानू एक सुपरस्टार हुआ करते थे प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में। देन द सॉन्ग इज सुंदर सुशील, राहुल राम और मालिनी अवस्थी का गाया हुआ ये गाना। इस गाने में दुख भी है, हार्ट ब्रेक की फीलिंग भी है और सेलिब्रेशन भी। एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है इस गाने में, जिसे पूरी तरीके से अपने शब्दों में पिरोया है लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर ने। द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज द आर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। अगला गाना दर्द करारा, कुमार सानू और साधना सरगम का गाया हुआ, वैसा ही लगता है जैसा कि कुमार सानू ने फिल्म आशिकी में गाया था। द सॉन्ग इज रियली मेलोडियस, टू रोमांटिक और लिसनर्स को बहुत पसंद आ रहा है। आखिरी गाना है प्रेम, जो इस फिल्म की थीम है, जो इस फिल्म को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है। सॉन्ग इज रियली गुड और इसे गाया है पापोन ने। वेल ऑल इन ऑल द एल्बम इज रियली नाइस एंड इट कैन बी द कमबैक एल्बम ऑफ अनु मलिक एंड कुमार सानू।